घुमारवी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राकेश चोपड़ा ने खाद्य आपूर्ति मंत्री व भाजपा घुमारवी में प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग पर सवाल खड़े किए हैं। राकेश चोपड़ा ने कहा कि घुमारवी में राजेंद्र गर्ग ने सिर्फ चुनिंदा लोगों का ही विकास किया है। विकास के क्षेत्र की बात करें तो घुमारवी में कोई एक प्रोजेक्ट राजेंद्र गर्ग बता दे जो जनता को समर्पित किया हो। जाने राकेश चोपड़ा ने आगे क्या कुछ कहा। राकेश चोपड़ा ने कहा कि राजेंद्र गर्ग ने सिर्फ चुनिंदा लोगों का ही विकास करवाकर जनता के साथ बहुत बड़ा छल किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में राजेंद्र गर्ग को विधायक बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है, लेकिन जब बात विकास की होने लगी तो राजेंद्र गर्ग अपना मुंह मोड़ने लग गए। ऐसे में उन्होंने राजेंद्र गर्ग से दूरियां बनाते हुए न केवल विधायक से दूरियां बनाई बल्कि भाजपा के सभी पदों से भी इस्तीफा दे दिया। राकेश चोपड़ा ने कहा कि भाजपा ने उन्हें कई विभागों में चेयरमैन बनाने का भी ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देते हुए अपनों को भी ठुकराया और तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी के तौर पर अपनाया। हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल के जनक आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो ग्रंटी योजनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर दी हैं, हम उन ग्रंटी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने की बात है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये के रूप में जो गारंटी दी है उसकी बात चल रही है, और उसके अलावा मेरी महिला बहन को सम्मान राशि के रूप में 1,000 रुपये दिया जाएगा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाएगा, और लगभग 15-18 वर्षों से जो हमारे कर्मचारी भाई हैं जिनकी OPS की स्कीम बंद कर रखी है, पंजाब की तर्ज पे आदरणीय महोदय ने जो मान सरकार पंजाब की सरकार है उन्होंने हाल ही में कर्मचारियों के लिए OPS की स्कीम बहाल कर दी है। उसी तर्ज पे हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारियों की जो बहुत लंबी पुरानी मांग है OPS की मांग, उस OPS स्कीम को लागू किया जाएगा। घुमारवी में विकास करवाने की जहां तक बात है, मैं तो ये समझता हूं कि इसका परिणाम लोग जो है वो जब चुनाव 12 तारीख को होने जा रहा है अपने अपने ढंग से लोग देंगे कि इनका कार्यकाल 5 साल का मात्र 5-7 लोगों के बीच में जो घिरे रहना है, इसका जवाब लोग आने वाले 12 तारीख को देंगे।